हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस पंजीरी खाना के लिए। तो पंजीरी बनाने के लिए गाइस मैंने लिया है आटा। आटा को अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद एक कटोरी आटा लेंगे और बनाएंगे भाना जी के लिए पंजीरी। तो गाइस पंजीरी बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए और मेरे पूरी वीडियो देखिएगा। इस तरीके से प्रोसेस से आप पंजीरी बनाइएगा कान्हा जी के लिए। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में आटा डाल देंगे, इसको गुलाबी गुलाबी फ्राई करेंगे। इसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर देंगे। गैस को गाइस लो फ्लेम पर ही रखना है। इसको गुलाबी इस तरीके से चलाते रहेंगे। हम आप देख सकते हैं कि ये गुलाबी होने लगा है। इस तरीके से गुलाबी कर लेंगे। अब जब भी गुलाबी होने लगता है जिसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। इस तरीके से गाइस ये गुलाबी फ्राई हो चुका है। अब ये पंजीरी परफेक्ट बन गई है। गैस को ऑफ कर देंगे। अब आप इसकी खुशबू आने लगती है। जब ये खुशबू लगे कि हाँ ये परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं गैस आटे को अच्छे से भून लिया है गुलाबी गुलाबी। और इस तरीके से आप पंजीरी बना सकते हैं। अब लेंगे चीनी। और चीनी को अगर आपके पास चीनी का बुरादा है, बूरा जिसको बोलते हैं, वो अगर है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो चीनी मिक्सी में पीस लेंगे। तो जितना मैंने आटा लिया था उसमें थोड़ा सा कम चीनी ले लेंगे और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। सुनिए जी, पंजीरी बनने के लिए परफेक्ट तैयार है। और मैंने चीनी मिक्सी में पीस ली है। इस तरीके से आप मिक्सी में पीस सकते हैं और ये खूब महीन हो जाती है। और इस तरीके से अब इसको मिला देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी मिलानी है। तो ये आटा ठंडा हो चुका है। अब इस तरीके से परफेक्ट पनीरी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से मखाने बारीक कटे हुए, छुआरे डाल देंगे, घड़ी का बुरादा और किशमिश। तो ये गाइस पंजीरी परफेक्ट बनके तैयार हो गई है बिहारी जी के लिए। तो गाइस मैंने बनाया है कान्हा जी के लिए भोग। तो अब इसमें रख देंगे तुलसी पत्र। तुलसी पत्र के बगैर भोग कान्हा जी का अधूरा है। तो गाइस इस तरीके से आप पंजीरी बना सकते हैं। तो गाइस पंजीरी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं कान्हा जी के लिए परफेक्ट पंजीरी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी।